हेलो एवरीवन, मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और मैंने जैसा कि बोला था कि आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ, कुछ आज बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ ये पार्ले जी से केक, पार्ले जी का केक बना रही हूँ। तो कैसे बनाना है वो आप लोग देखते रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि पार्ले जी का केक कैसे बनेगा। और वो भी मैं कुकर में बनाऊंगी, माइक्रोवेव में नहीं बनाऊंगी। मैंने पार्ले जी के 4 पैकेट लिए हैं, ये जो छोटे पैकेट आते हैं 5-5 रुपए के, वो मैंने 4 पैकेट लिए हैं। 4 पैकेट हैं, इनको पहले मिक्सी में पीस लेंगे। बारीक पीस लेंगे। अब इसको आटे की चलनी से चालना है। आधा कप पिसी शक्कर, इसको मैंने आटे की चलनी से चाल ली है। तो पिसी शक्कर लेंगे, इसमें डाल देते हैं नॉर्मल। आधा कप बटर डालेंगे, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। कांच के बर्तन से मैंने चेंज कर लिया स्टील के बर्तन में, क्योंकि कांच का बर्तन कहीं फूट नहीं जाता, इसलिए मैंने इसमें चेंज कर लिया स्टील में। ये करछुल की सहायता से भी इसको फेंट सकते थे, लेकिन मेरे पास ये हैंड मिक्सर है, इसलिए मैं इससे फेंट रही हूँ। अगर जिसके पास ना हो तो वो करछुल या चम्मच लेकर के भी उससे भी एक तरफ उसको फेंटते जाना है। जो बिस्किट का पाउडर बना रहे हैं, इसमें हम कुछ चीजें मिक्स करेंगे। सबको चलनी से चाल कर ही करेंगे। मेजरिंग स्पून की हेल्प से 1/4 टीस्पून ये बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इतना ही मीठा सोडा डालेंगे, गुठलियां जो रहती हैं सबको फोड़ करके डाल लेंगे, इसी पाउडर में मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। पाउडर को जो हमने अभी फेटा था बटर और शक्कर, इसी में इसको मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बर्तन में केक का मिक्सचर डालेंगे, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा बटर से ग्रीसिंग कर देती हूँ। आटा डाल करके चारों तरफ आटे को ऐसे इतना भी इसका एक्स्ट्रा आटा है निकाल देंगे। इससे क्या होगा, केक नीचे चिपकेगा नहीं। अब इसमें ये जो केक फेंट के रखा था इसको पूरा पलट देंगे। इसके पहले मैं कुकर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कुकर में बनाना है केक। ये खाली कुकर है, पहले इसको तेज कर देते हैं। इसमें ये नीचे स्टैंड रख देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है जैसी अभी, बस आसानी से ये नीचे से गिर जाए, ना ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा थिक होना चाहिए। इसको
ऐसे थोड़ा थोड़ा ठोक करके बराबर कर लेंगे, ये सब बराबर हो जाएगा। कुकर गर्म हो गया है, वहाँ कर लेते हैं गैस को धीरे से, कुकर के अंदर इसको रख देते हैं। ढक्कन नहीं, इसका डिब्बे का ढक्कन नहीं लगाएंगे, कुकर के ढक्कन में रबर लगाना है, सीटी नहीं लगाना है। इसको बंद कर देंगे, गैस को धीमे में ही रखना है, आधे घंटे बाद इसको चेक करने आएंगे। अब जाकर के केक चेक कर लेती हूँ, केक तो बहुत अच्छा बना है। इसको बाहर निकाल लेते हैं केक को, जब केक ठंडा हो जाएगा तब इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो केक रेडी हो गया है पार्ले जी का, बहुत ही स्पंजी बना है। अभी थोड़ा सा गर्म है, ये ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं कट करूंगी। तो चलिए, बहुत रात हो गई है, 10:30 बज चुके हैं और काफ़ी रात हो गई है, और केक भी रेडी हो गया है। अब इसको कट करके कल खाया जाएगा। ओके, गुड नाइट।